11 महीने बाद आज से 6वीं से 8वीं तक कक्षाएं फिर शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के चलते बंद हुए स्कूलों में आज फिर से रौनक लौट आई है। अध्यापक व बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। सुबह 10 बजे से स्कूल शुरू हुए, बच्चे समय पर ही स्कूल पहुंचना शुरू हो गए। बच्चों के लिए मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना जरूरी किया गया है। आज से बच्चे सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहा करेंगे, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही कक्षाएं लगेंगी। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रविवार को स्कूलों को सैनिटाइज भी किया गया। इसी के साथ अब नियम बनाया गया है कि क्वारंटाइन व कंटेनमेंट एरिया से विद्यार्थियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल में आने से पहले विद्यार्थियों को अपने परिजनों से सहमति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। छठी से आठवीं तक क्लास खुले हैं। मुझे घर हमारे घर पे पढ़ाई ढंग से नहीं होती थी, स्कूल में आकर हमें बहुत बढ़िया लग रहा है और पढ़ाई भी ढंग से होती है। इस घर पे कभी मोबाइल के नेट नहीं चलते थे, कभी मोबाइल किसी के पास नहीं होता है। स्कूल में आके हमें बढ़िया महसूस हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए क्या सावधानी बरत रहे हैं? कोरोना से बचाव के लिए हाथों पर सैनिटाइजर तथा मुंह पर मास्क लगा कर आना है। सर स्कूल फील सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। घर पे लंबे समय से नेट पे जो काम किया जा रहा था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब स्कूल खुल चुके हैं तो हम अच्छे से स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए क्या सावधानी बरत रहे हैं? सर समय समय पर हाथ धोना और मास्क लगाना और 1 फीट की दूरी रखना। 1 साल से कोरोना टाइम के वजह से मेरी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हुई। मैं अभी स्कूल लग गए हैं, मैं इससे मेरी सही पढ़ाई होएगी और मैं फर्स्ट आऊँगा। इस कारण मेरी जो मैं खुश हो गया हूँ। आज हमें और भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे छोटे बच्चे क्लास 6 से 8 वाले बच्चे भी आ गए हैं और 60-70% के नियर अबाउट बच्चे स्कूल में आए हैं। कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं और उम्मीद है कि हमारे प्रयास से जल्दी वे भी आने लगेंगे। और हम सभी SOPs का पालन कर रहे हैं, बच्चों को मास्क लगाकर उनके हाथ सैनिटाइज करके फिर ही उनको एंट्री दी है। और बच्चों को भी आते ही समझाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कोविड की महामारी के दौर में उन्होंने यहाँ पर रहना है और अपनी पढ़ाई को करना है, क्योंकि बच्चों का घर पे रहते हुए बहुत नुकसान हो चुका है। घर पे ऑनलाइन कितने ही प्रयास हुए लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और अब बच्चे जो हैं वो यहाँ हमारे सामने लाइव बैठे हैं और बैठे यहाँ पे पढ़ाई होगी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर पाएंगे और अभी उनके SAT के टेस्ट भी होने हैं, उसके लिए भी जल्द से जल्द तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी छोटे जूनियर बच्चों के स्कूल भी खुल जाएं, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। अभिभावकों को सहमति पत्र देना जरूरी है क्या, वो दे रहे हैं? हाँ जी, अभिभावकों का सहमति पत्र के लिए हमने बच्चों को ऑनलाइन मैसेज किया था
कुछ बच्चे लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं। जो नहीं लेके आए हैं आज हम उनको लेटर दे रहे हैं, वो आज सहमति लेकर बच्चों से कल आ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी पेरेंट्स अभिभावक बच्चों को स्कूल एक्चुअली भेजना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ, क्योंकि घर पर बच्चों का रहना अब बहुत मुश्किल हो गया था।